an email that I got, and I think that this situation applies to a lot of you watching this video, or you would relate to it from your younger times. I'm from Chennai and I'm 16 years of age. I've just finished my class 10th. Oh my God, like so young. I've just taken commerce. Here's the situation. I've always been an A-grade student, so clearly bahut hi badhiya student hai. But now I've realized that I'm not learning anything practical. Our education system is aisa hai ki hame kuch bhi practical life mein jo hota hai, wo kabhi bhi seekhne ko nahi milta hai, which is so true. So now I've taken decisions on my future. For the past 2 months, I've been thinking of what I really like and what I would love to do for the rest of my life. And the careers that I've thought about: computer science, finance, business, design, filmmaking, marketing, basically sab kuch wo dhoond chuke hain. Aur bolte bhi hain ki ye sab random career nahi hai, in pe maine dhyan diya hai, inko dhang se consider kiya hai. So clearly jo bhi maine ye bataye hain, ye random selections nahi hain, but meri preferred choice hai. But problem ye hai ki main decide nahi kar pa raha ki mujhe inme se kya karna chahiye. Main ye decide nahi kar pa raha कि मुझे अपनी जिंदगी में इनमें से कौन से चॉइसेस लेने चाहिए. कैन यू हेल्प मी? द बिगेस्ट थिंग दैट यू नीड टू नो इज, आप अपनी जिंदगी जैसे शुरू करते हैं ना, कभी भी वैसे खत्म नहीं करते. आप जैसे अपनी जिंदगी शुरू करते हैं वैसे कभी भी खत्म नहीं करते. हमारे माँ बाप वो करते थे, लेकिन हम वो नहीं करेंगे. हमारे माँ बाप के जनरेशन में वो अगर एक नौकरी लेते थे तो वो स्टेबिलिटी जिंदगी में बहुत जरूरी थी. उस पॉइंट पे स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी था, एक अश्योर्ड इनकम होना बहुत जरूरी था, अपॉर्चुनिटीज बहुत लिमिटेड थी, टैलेंट बहुत ज्यादा था. तो अगर आपको कोई नौकरी मिल जाती थी, स्पेशली अगर कोई सरकारी नौकरी मिलती थी, तो आपका पूरा काम और फोकस यही होता था कि आप अपनी जिंदगी भर उसको सिक्योर रखें. एंड इसीलिए हमारे माँ बाप अपनी नौकरियों में 30, 35, 40, 50 साल तक काम करते रहे. लेकिन वक्त बदल चुका है, अब वो वक्त नहीं रहा. हम कभी भी जिस मकाम से जिंदगी शुरू करते हैं उस पॉइंट पे कभी खत्म नहीं करेंगे. हमारी जिंदगी में बहुत सारी नई नई चीजें आएंगी, दुनिया इतनी तेजी से बदलेगी. तो अपने आप को हमेशा ये रिमाइंड करवाइए कि जिस चीज से आप शुरू करेंगे वो चीज आपकी पूरी जिंदगी कंज्यूम नहीं करेगी. आपकी पहली नौकरी फ्रॉम कॉलेज आपकी जिंदगी डिटरमिन नहीं करेगी. आपकी पहली सैलरी फ्रॉम कॉलेज आपकी पूरी जिंदगी डिटरमिन नहीं करेगी. आप कौन सा स्ट्रीम चूज करते हैं 11th में, वो आपकी पूरी जिंदगी डिटरमिन नहीं करेगा. वट एवर इज इट दैट यू डू इन लाइफ, योर फर्स्ट डिसीजंस विल नॉट डिफाइन योर एंटायर लाइफ. योर फर्स्ट जॉब, योर फर्स्ट सैलरी, योर फर्स्ट स्ट्रीम, योर फर्स्ट बॉस, योर फर्स्ट कंपनी, योर फर्स्ट रोल इज नेवर गोइंग टू डिफाइन योर एंटायर लाइफ. एंड दैट्स व्हाई डोंट पुट सो मच प्रेशर ऑन योर सेल्फ टू मेक द राइट डिसीजन. अपने ऊपर इतना प्रेशर मत डालिए कि आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आप सही डिसीजन ले रहे हैं या नहीं. क्योंकि सही डिसीजन क्या होता है दोस्तों, किसी को नहीं पता. क्या आपको पता है सही डिसीजन क्या है? क्या आपके माँ बाप को पता है सही डिसीजन क्या है? क्या उन्होंने गलत डिसीजन नहीं लिए? जिंदगी में, इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको पता हो डिसीजन लेने से पहले कि सही डिसीजन क्या होता है. आपको सिर्फ डिसीजन लेना है. आपके इस पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ लाइफ में जब आप इतने यंग हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फॉर यू टू डिसाइड, नॉट डिसाइड राइट बट डिसाइड. क्योंकि इस पॉइंट पे आप जितनी भी गलतियां कर लेंगे उससे कभी भी आपकी जिंदगी में त्राही त्राही नहीं बचेगी. आप जितनी भी गलतियां कर लेंगे उससे आपकी जिंदगी पे इतना इफेक्ट नहीं आएगा. तो अपने उस डिसीजन को इतनी अहमियत मत दीजिए. Make the decision. That is the important part. Decision lena zaruri hai, sahi decision lena zaruri nahi. And that is what my suggestion will be for someone as young as you. Lekin dusra, ki zindagi mein agar bahut sare choices ho hamare samne, to kya decide kare, kaise decide kare ki kaun si choice le. Us pe bhi almost same mental model apply hota hai. Aur wo ye, that we don't know what the right decision is. We don't know what the right decision is. We always base it on probability. We always think ki whatever decision we are making, is it probably going to give us success or not? That's the only way we work. So when you ask people, hey, should I do this or that? And they tell you, you should do this. They don't know whether it's the right decision. All that they're saying is, if you do this, you have a higher probability of success. That's how they are thinking. That's what they mean. So when you're faced with a lot of choices, the way to think about that is, what will increase your probability of success? ये मत पूछिए अपने आप से कि वो सही decision है कि नहीं. अपने आप से ये पूछिए कि इन choices में से
कौन सा चॉइस है जो मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बढ़ा देता है, ऐसी कौन सा चॉइस है इसमें जो मेरे स्ट्रेंथ्स पे अलाइंड है, जो मुझे खुशी देता है, एक ऐसी चीज जिससे दुनिया की मदद होती है, एक ऐसी चीज जिससे मैं अच्छे पैसे कमा सकता हूँ, एक ऐसी चीज जिसमें मैं खुश रह सकती हूँ, एक ऐसी चीज जिसमें मैं अच्छी हूँ, एक ऐसी चीज जिसको करने में मुझे खुशी मिलती है, मुझे लगता है कि मैं अच्छा हूं उस चीज में, मुझे लगता है कि मैं उस चीज को सीख सकता हूं, मुझे लगता है कि उस चीज में और ज्यादा चीजें करने में मुझे मजा आएगा, व्हाटएवर द थिंग्स आर दैट विल सेट यू अप फॉर ग्रेटर सक्सेस, नॉट द फैक्ट दैट आप सही डिसीजन ले रहे हैं या नहीं. व्हेन फेस्ड विद चॉइसेस इन लाइफ मेक द चॉइस, दैट इज द बेस्ट डिसीजन.